मैं हूं विवेक और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे ब्लॉग चैनल घुमक्कर में। तो गाइस आज हम लोग आ चुके हैं गांधी घाट और यहां से हम लोग बोट का सवारी करके जाने वाले हैं गंगा बीच पे, यानी कि गंगा के उस साइड। तो अभी हम लोग चलते हैं और आप लोग को भी ले चलते हैं अपने साथ। भाई अभी हम लोग पहुंच चुके हैं एनआईटी घाट के पास और बोट पे बैठ चुके हैं और जा रहे हैं गंगा बीच पे। आपको बोट का जो है वो ले जाएगा आपको 50 रुपीज में आने का और जाने का दोनों का पर पर्सन। तो अभी हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि भाई उस तरफ का क्या नज़ारा है। तो अगर आप आ रहे हैं एनआईटी घाट तो इस चीज का लुक तो जरूर उठाइए, काफी एक्साइटमेंट भरा है और काफी मजा आने वाला है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं। तो फिलहाल अभी बोट खुल चुकी है और इस तरफ देख सकते हैं एक बोट जो है वो आ रही है उधर से। तो गाइस अभी हम लोग उतर चुके हैं और इस गंगा बीच पे आ चुके हैं और इस तरफ से भाई देखिए पटना का नजारा। वाह क्या बात यार, कितना खूबसूरत दिखता है इधर से पटना। और यहाँ आना कैसे है आपको बता देता हूँ। एनआईटी घाट से ये बोट लेकर आती है आप लोग को इस गंगा बीच पे और पर पर्सन 50 रुपया लेते हैं लोग आने का और जाने का। जिस बोट से आप आए हैं वही बोट आपको वापस छोड़ भी देगी। आप जितना मन चाहे यहाँ पे उतना देर रह सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप कैंपिंग के लिए आए हैं तो आप कैंपिंग कर सकते हैं, दोस्तों लोगों के साथ एंजॉय करना आए हैं तो एंजॉय भी कर सकते हैं। तो जितने देर चाहे आप यहाँ पे रुक सकते हैं, उसके बाद जब जाना हो तो वही बोट आपको फिर वापस ले जाएगी। भाई चारों तरफ आप देख लो, चारों तरफ सिर्फ आपको रेत ही रेत दिखेगी, व्हाइट सैंड है। और बेसिकली मैं यहाँ पे आया हूँ खासकर ये चीज़ जानने के लिए कि यहाँ से उस पार अगर देखें तो वो उस पार का नज़ारा किस तरह का दिखता है। आई होप सो अगर थके नहीं, क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग उस तरफ जाएंगे और देखेंगे कि गंगा नदी जो है वो कितने हद तक सूख चुकी है और कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, सामने कुछ लोग भी जा रहे हैं उस तरफ और अगर इस तरफ आते हैं तो इस तरफ भी आपको कुछ लोग दिखेंगे जाते हुए। अब मुझे भी नहीं पता कि उस तरफ क्या है, तो एक बार जाकर देखना मैं चाहूँगा। एक्चुअली यार शोरगुल से बिल्कुल अलग, मतलब यार शांति यहाँ पे इतनी ज़्यादा है, ट्रैफिक का कोई टेंशन नहीं, कहीं से कोई शोरगुल नहीं, जो जितने भी हॉर्न वगैरह का आवाज़ आते हैं वह सब कुछ नहीं। यहाँ आकर वाकई में काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देखिए क्या मस्त सीन दिख रहा है। और अगर बात करें गंगा जी का तो काफ़ी सूख चुकी हैं, रेत जो है बहुत ज़्यादा हो चुका है। और इस तरफ भी अगर देखें तो इस तरफ भी लोग रह रहे हैं, यहाँ पे छोटे छोटे झोपड़ी वगैरह भी हैं। और इस तरफ अगर देखें तो ये थोड़ा बहुत खेत वगैरह है, यहाँ तुरई शायद उगता है और तुरई या फिर कद्दू, तो लोग यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो भाई अभी हम लोग आ पहुँचे हैं, एक यहाँ पर झोपड़ी बना हुआ है आप लोगों को दिखाने के लिए। हम वहाँ से इतने दूर तक आए हैं क्योंकि बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इतने दूर तक आते हैं और जिन्हें यहाँ का लोकेशन पता नहीं है, जो यहाँ के बारे में पता नहीं है कि यहाँ का कैसा सीन दिखता है। तो आप लोगों के लिए खास वीडियो हम लाए हैं। सो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक का बटन ज़ोर से ज़ोर दबा दीजिएगा। तो यह फिलहाल भाई ये है किसी और का प्रॉपर्टी है, बहुत मेहनत से बनाया गया है ये, देख सकते हैं। जैसा कि तो मेन बात है कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, अभी तो फिलहाल नया नया बना है और फिलहाल मुझे बोतलों के अलावा और कुछ दिख नहीं रहा है। तो चलिए चलते हैं, अब यहाँ से देख चुके हैं यहाँ का भी सीन। यहाँ तक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये लोग इसलिए बनाए हैं क्योंकि इतने दूर जाना पड़ेगा, लोगों का यहाँ पे खेती भी कर रहे हैं, यहाँ पे तुरई लगाया गया है, यहाँ पे कद्दू का पौधा लगाया गया है, ये सब तो बेसिकली लोग को जाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और काफ़ी थक भी जाते हैं। तो यहाँ पे वो लोग आराम से रात में स्टे कर सकते हैं, खासकर इस वजह से मुझे लगता है कि ये बनाया गया है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं।
भाई फोटो शूट और कैंपिंग के लिए ये बेस्ट जगह है। आपको किसी भी अदर जगह जाने की जरूरत नहीं है, आपके पास में ही है। अगर आपको कैंपिंग का शौक है तो आप यहाँ पे भी आ सकते हैं और फोटो शूट भी अच्छा से कर सकते हैं। तो भाई ये है वो जगह जहाँ से आपको गोवा वाली बिल्कुल फीलिंग आती है, और यहाँ पे कुछ कुछ सामान भी आपको मिल जाता है खाने को, थोड़ा बहुत चीज़ ऐसे छोटी मोटी चीज़ें जो हैं, चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए, या फिर डालमोट वगैरह मिक्सचर वगैरह जो हो गए, ये सब चीज़ें आपको खाने को यहाँ पे मिल जाती हैं। और यहाँ पे जिस तरह का ये छतरी लगाया गया है तो वो अलग ही तरह का वाइब देता है और अलग ही तरह का लुक देता है। तो चलिए एक बार देखते हैं। छोटी मोटी आपको दे जाते हैं छतरी यहाँ पे धूप से बचने के लिए, और आप कुछ कुछ खा भी सकते हैं। यहाँ पे झोपड़ी वगैरह भी लगा हुआ है। सो ये कुछ था गंगा बीच का नज़ारा। और फिलहाल अभी हम लोग का जो है वो बोट रेडी है वापस जाने के लिए, तो अब हम लोग यहाँ से चलते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग यूँ ही हंसते रहिए, खुश रहिए।